गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ चेंजेस अराउंड अस हमारे चारों तरफ जो जो बदलाव होते हैं दी नंबर ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस अराउंड अस ऑल टाइम हमारे चारों तरफ कहते हैं बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं हर टाइम दीज चेंजेस टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन और ये अपने आप होते हैं यू विल सी ट्री ट्री शेडिंग देयर लीव्स आपने देखा होगा पेड़ अपने पत्ते गिराता है न्यू लीव्स कमिंग आउट नए पत्ते आ जाते हैं फ्रूट्स राइपनिंग एंड फ्लावर ब्लूमिंग आपने देखा होगा जो फल होते हैं वो पक जाते हैं और जो फ्लावर होते हैं वो खिल जाते हैं यू विल ऑल्सो नोटिस दैट यू आर ग्रोइंग टॉलर योर हेयर आर ग्रोइंग लॉन्गर आपने देखा होगा आप भी लंबाई में बढ़ते हो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके हेयर भी ग्रो करते हैं लंबे हो जाते हैं दीज आर चेंजेस इन वेदर डे चेंजेस टू नाइट एंड वाइस वर्सा जैसे दिन का रात में बदलना ये कहते वेदर मौसम में चेंज होना ये सारे चेंजेस हैं यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम आपने आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे हमारे चारों चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं एवरी चेंज हैज अ कॉज हर चेंज का कोई ना कोई रीजन है कोई ना कोई कारण है द कॉज ब्रिंग आउट चेंजेज इन द शेप जो कॉज uh, है कारण है उसके कारण क्या क्या बदलाव होते हैं उसके शेप में उसके साइज में उसकी पोजिशन में उसके कलर में स्टेट में, में और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थिंग्स और उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर uh, में ठीक है बहुत सारे चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस अब दो टाइप के मेन चेंजेस होते हैं एक रिवर्सिबल एक इ रिवर्सिबल ऑल थ्री चेंजेस इन द अबव एक्टिविटीज कैन बी रिवर्सड एंड आर नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस जिन चीजों को हमने मान लो क्या बनाया है कोई भी चेंज चीज, चीज है अगर वो दोबारा से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है रिएक्टेंट से मान लो हमने प्रोडक्ट बनाए प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट बन गए तो उसको हम क्या बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस ऑल थ्री चेंजेस इन द अब एक्टिविटी कैन बी रिवर्स एंड आर नोन एज रिवर्स जिन भी चीजों को रिवर्स किया जा सकता है उनको हम क्या बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस जैसे पत्ते गिर गए नए पत्ते आ गए तो ये क्या है रिवर्सिबल चेंजेस ठीक है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चेंजेस दो टाइप के चेंजेस होते हैं एक्टिविटी वन एक एक्टिविटी टू की है टेक ए बलून ब्लो एयर इन टू इट विल चेंज द साइज एंड शेप नाउ रिलीज द एयर फ्रॉम इट द बेलून रिटर्न बैक इट्स ओरिजिनल शेप हमने क्या किया एक बेलून में हवा भरी फिर उसकी हवा निकाल दी तो वो पहले जब हवा भरी तो उसके शेप और आकार चेंज हो गया जैसे ही हमने उसकी हवा निकाल दी वो फिर से अपनी पहले वाली पोजिशन में आ गया इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज टेक ए बॉल थ्रो इट इट्स पोजिशन शिफ्ट यू कैन पिक अप द बॉल एंड प्लेस इट ऑन इट्स ओरिजिनल प्लेस ठीक है बॉल को हमने मारा वह दोबारा से अपनी जगह पर आ गई दिस इज नोन एज रिवर्सिबल चेंज टेक अ पीस ऑफ पेपर फोल्ड इट एंड मेक इट पेपर बोट आउट ऑफ इट द शेप ऑफ द पेपर हैज चेंज नाउ ऑन फोल्ड द पेपर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप हमने कागज की एक किश्ती बनाई किश्ती को दोबारा से खोल दिया वो फिर से कागज बन गया तो ये क्या है रिवर्सिबल चेंज इफ ईच ऑफ द थ्री एक्टिविटीज वी आर एबल टू ब्रिंग बैक द मटीरियल टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड पोजिशन जिस भी चीज़ को हम कहते दोबारा से उसकी ओरिजिनल शेप और पोजीशन पर ले आते हैं उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज टेक ए बेलून ब्लो इट एंड ब्रस्ट इट बाई प्रिकिंग द निडल एक कहते गुब्बारा लो उसको फुलाओ और उसको एक निडल की सहायता से फोड़ दो तो वो क्या है इर रिवर्सिबल चेंज टे पेंसिल एंड शार्पनर हमने पेंसिल ली उसको शार्प करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं अब हमने पूरी की पूरी पेंसिल शार्प कर दी पेंसिल रहेगी छोटी सी मतलब पेंसिल ख़त्म हो गई वो क्या है इ रिवर्सिबल चेंजेस दब चेंजेस आर इ रिवर्सिबल दे कैन नॉट बी रिवर्स इन दीज चेंजेस हाउ एवर देर इज अ नो चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है बट कहते इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते चपाती टू डो हमने चपाती बना ली आटे से ठीक है ये है रिवर्सिबल रोल्ड आउट चपाती टू डो चपात, जो डो है उससे हमने चपाती बना ली वो भी क्या है रिवर्सिबल हॉट मिल्क टू कोल्ड मिल्क ये भी क्या है रिवर्सिबल रॉ एग टू वाइल्ड एग ये है इिवर्सिबल ब्रेड टू टोस्ट ये भी इ रिवर्सिबल रॉ फ्रूट टू ड्राई फ्रूट इर रिवर्सिबल क्रीम टू बटर इर रिवर्सिबल भूल टू स्वेटर रिवर्सिबल ठीक है तो ये बहुत सारी चीजें थी मीनिंग ऑफ चॉकलेट सॉरी मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट रिवर्सिबल बुलन टू नीटिंग स्वेटर रिवर्सिबल चेंजेस ऑफ फ्लावर इन टू वेपर्स रिवर्सिबल बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर इ रिवर्सिबल हमने जब पटाखे जलाए दिए तो वो क्या हो जाएंगे इ रिवर्सिबल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एन अदर वे ऑफ क्लासिफाइंग चेंजेस ऑन द बेस ऑफ वेदर न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज और नॉट बेस्ड ऑन दिस चेंजेस आर ऑफ टू टाइप अब दो तरीके के चेंजेस होते हैं एक फिजिकल चेंज होता है एक केमिकल चेंज होता है सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल चेंज इन द फिजिकल चेंज द सब्सटेंस चेंज इट्स फॉर्म बट डज नॉट चेंज केमिकल कंपोजिशन इसमें चेंज उसकी फॉर्म होती है सिर्फ बट केमिकली वो चेंज नहीं होता है नो न्यू सब्सटेंस कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनता है द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस रिमेन एग्जैक्टली द सेम बिफोर ठीक है और सब्सटेंस वही रहता है जो पहले था फॉर एग्जाम्पल किकिंग ए बॉल बॉल को मैंने किक कर दिया वो यहाँ से वहाँ चली गई तो ये क्या है फिजिकल चेंज उसकी फिजिकल पोजिशन में चेंज हुआ बॉल थोड़ी ना चेंज होगी शार्पनिंग ऑफ पेंसिल द साइज ऑफ पेंसिल चेंजेज ऑन शार्पनिंग शार्पनिंग पे साइज चेंज हो रहा है बट मॉलिक्यूल रहेगी तो पेंसिल ही ना ड्राइंग ऑफ बैट क्लॉथ गीले कपड़ों को हमने सुखा दिया रहेंगे तो कपड़े ही फ्रीजिंग ऑफ वॉटर वॉटर को फ्रीज कर दिया वो भी क्या है फिजिकल चेंज उसकी फिजिकल चेंज आ रहा है ना वेन वी हीट अ पीस ऑफ आयरन इट एक्सपैंड जब हम आयरन के पीस को एक्सपैंड हीट uh, करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है लिक्विड ऑल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग दिस इज ऑल्सो एक्सपेंशन ऑन कूलिंग बोथ रिटर्न टू इट्स ऑरिजिनल शेप कूल करने पर दोबारा से ही अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाते हैं नेक्स्ट है मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर टेम्प्रेरी एंड इट कैन बी इजिल रिवर्स जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं कहते हैं ज्यादातर टेम्प्रेरी होते हैं और उनको ईजिली क्या किया जा सकता है रिवर्स किया जा सकता है हाउवर सम फिजिकल चेंजेस लाइक शार्पनिंग अप पेंसिल कैन नॉट बी रिवर्स्ड बट कहते हैं कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता जैसे हमने एक पेंसिल को शार्प कर लिया छोटी सी होगी अब दोबारा से हम लंबी पेंसिल थोड़ी नला सकते हैं नेक्स्ट है हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ़ एक्सपेंशन इज़ यूजफुल इन आवर डेली लाइफ ऑफ एक्सपेंशन कहते हैं हमारी यूज डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है फैलना ऑल द टूल शोन बिलो है जितने भी टूल कहते हैं बने होते हैं वो सारे आयरन के बने होते हैं आयरन रिंग विच फिट इन टू अ बुडन हैंडल जिसको हम कहते हैं बुडन हैंडल में क्या करते थे फिट करते थे रंग द रिंग इज यूजली स्लाइटली स्मॉलर इन साइज जो रिंग होता है आयरन का वो छोटे साइज का होता है द वुलन हैंडल वुलन हैंडल से फिर हम क्या करते हैं वेन आयरन रिंग इज हीटेड जब हम आयरन रिंग को हीट करते हैं तो वह एक्सपेंड हो जाता है एंड साइज कैन भी इजिली फिटेड इन टू द रिंग तो जो बुडन का साइज है वो इजीली फिट हो जाता है उस रिंग के अंदर ऑन कूलिंग द आयरन रिंग कॉन्टेक्ट जैसे हम उसको कूल cool करते हैं वो फिर से कॉन्टेक्ट हो जाता है एंड फिट इजीली टाइटली ऑन द हैंडल और हैंडल में टाइटली क्या हो जाता है फिट हो जाता है सिमिलरली दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो यूज टू फिक्स मेटल रिम ऑन अ बुडन व्हील और अ कार्ट द मेटल रिम इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज जो मेटल का रिम होता है कहते हैं वो छोटे साइज का होता है इट इज हीटेड सो वट इट एक्सपैंड इसको हीट किया जाता है एक्सपैंड होता है एंड फिटेड इड इन टू द व्हील और व्हील में फिट हो जाता है कोल्ड वाटर इज पाउड फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है इट कॉन्ट्रैक्ट एंड कूलिंग एंड फिर टाइटली ऑन द व्हील और फिर उसको ठंडा किया जाता है फिर वो टाइटली व्हील के ऊपर क्या हो जाता है फिट हो जाता है नेक्स्ट है बर्निंग वट हैपन वेन वन ए पीस ऑफ पेपर स्मोक एंड गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहते क्या होता है जब हम कागज को जलाते हैं एक तो स्मोक प्रोड्यूस धुआं प्रोड्यूस होता है सी यू ट्यूब प्रोड्यूस होती है वाटर पेपर प्रोड्यूस होते हैं राख बन जाती है उसके बाद जलने के बाद द मॉलिक्यूल ऑफ ऐश आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेपर बट जो मॉलिक्यूल है ऐश के राख के वो डिफरेंट है किससे पेपर से दस न्यू सब्सटांस इज फॉर्म्ड इट इज इरिवर्सिबल नया सबस्टांस बन जाता है जो कैसा होता है इरिवर्सिबल अभी वेपोरेशन कैसा है लिक्विड टू पेपर कंडेंसेशन क्या है पेपर टू लिक्विड मेल्टिंग क्या है आइस टू वाटर फ्रीजिंग क्या है वाटर टू आइस बर्निंग क्या है वो टू एश नेक्स्ट है कुकिंग वेन्यू योर मदर मेक चपाती है न्यू सब्सटांस इस फॉर्म जब आपकी मम्मी चपाती बनाती है चपाती बनाती है तो वो एक नया सब्सटांस बनता है द मोलिक्यूल चपाती आर डिफरेंट फ्रॉम द डो बट जो मॉलिक्यूल होते हैं चपाती के वो डिफरेंट होते हैं किससे डो से सिमिलरली वह केक इज बेक द राइस और वेजिटेबल और कुकड जब हम कहते हैं कोई भी खाना बना देते हैं तो नया सब्सटांस बन जाता है द चेंजेज आर कॉल्ड केमिकल चेंज जिसमें कोई नया सब्सटांस बन जाए उसको बोलते है केमिकल चेंज तो चपाती टू डो डो टू चपाती रोल्ड आउट चपाती टू डो या चपाती टू डो इज अ केमिकल चेंज नेक्स्ट है हमने क्या किया कहते हैं एक कैंडल ले ली मयर द लेंथ फिक्स इट द फिक्स इट एंड लाइट इट हमने एक कैंडल ली उसको फिक्स कर दिया उसको जला दिया उसको दस मिनट तक चलने दिया लो आउट द कैंडल एंड मैयर द लेंथ फिर हमने कैंडल की लेंथ मैयर की हमने क्या देखा उसकी लेंथ तो छोटी हो गई ठीक है और जो बैक्स है वो साइडों से ड्रिप कर गई दिस इज बिकॉज द बर्निंग बैक्स रिएक्ट विद एयर एंड वाटर पेपर एंड कार्बन डाई ऑक्साइड इट इज़ द इ रिवर्सिबल केमिकल चेंज और ये कैसी चेंज है इ रिवर्सीबल कैमिकल चेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पेपर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू बैक इन टू ठीक है और इनको हम दोबारा से इन वैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं द मेल्टिंग ऑफ फिजिकल चेंज और जो मेल्ट हो रही है वैक्स वो कैसा है फिजिकल चेंज ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस वेन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस केमिकल चेंज तब होती है जब सब्सटांसिस में क्या होती है केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटांस फॉर्म और नया सब्सटांस बनता है मोस्ट केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल ज़्यादातर केमिकल चेंज कहते हैं परमानेंट होते हैं और इ रिवर्सिबल होते हैं चेंजेस व्हेन डिफरेंट सब्सटांसिस आर मिक्सड कहते वो चेंजेस जब डिफरेंट डिफरेंट सब्सटांसिस को हम मिक्स करते हैं वी हैव सीन दैट शुगर इज मिक्सड इन वाटर इट इज ऑल्व टू फॉर्म अ सोल्यूशन जब हम कहते हैं चीनी को पानी में डिजोव करते एक नया सोल्यूशन बनता है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वी कैन गेट बैक अ शुगर फ्रॉम अ सोल्यूशन बाई वेपोरेशन बट कहते हैं हमें शुगर दोबारा से मिल जाती है वेपोरेशन से दस चेंजेस इेंज इज रिवर्सिबल द फिजिकल चेंज मॉलिक्यूल ऑफ शुगर एंड वाटर डू नॉट गो अंडर गो एनी चेंज दस वी कैन सी हीटिंग एंड मिक्सिंग ऑफ अबस्टांस ब्रिंग अबाउट चेंज सम चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड सम ऑफ द ए रिवर्सीवल तो बेटा आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा